नमस्कार, स्वागत है आपका एक और गिटार लेसन में संगीत प्रवाह वर्ल्ड की तरफ से। पिछले जो दो एपिसोड्स निकले थे उनमें आपने सीखा था गिटार के पोस्चर के बारे में और फिंगर्स को रखने का तरीका और गिटार के पार्ट्स के बारे में। आज इस एपिसोड में मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि जो मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक गिटार में जैसे दो वेज होते हैं, दो तरीके माने जाते हैं कि आप एक सोलोइस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ गिटार बजाना चाहेंगे या फिर आप गाने के साथ गिटार बजाना चाहेंगे। ये दो तरीके मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे, आज मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। ये एपिसोड पूरा देखिएगा ताकि जो मैं आगे जो हमारे लेसन्स चालू होंगे वो इन दो बेसिस पे ही होंगे और वो दो बेसिस में अलग अलग तरीके से सिखाना चाहूँगा वहाँ पे, ताकि आप जब देखें उस चीज़ को तो आपको पता पड़े कि आप क्या परस्यू करना चाहते हैं और आपको क्या सीखना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप दोनों में से कोई भी एक वे को चुनना चाहे तो दूसरा वे गलत है। यानी अगर आप गिटारिस्ट सोलो बनना चाहते हैं, यानी सोलो गिटारिस्ट बनना चाहेंगे तो आप गाने के साथ बजाना ना सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरीके से सीखना चाहिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसी में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। पहला जो तरीका, जैसे मैंने आपको बोला कि सोलो गिटारिस्ट बनना चाहेंगे, सोलो गिटारिस्ट क्या होता है, ये एक आप आर्टिस्ट का फॉर्म मान लीजिए आप, कि एक आर्टिस्ट सिर्फ गिटार बजाता है, वो वोकल्स पे इतना ध्यान नहीं देता, वो किसी बैंड में हो सकता है या फिर उसका खुद का आप मान लीजिए कि कोई गिटार परफॉर्मेंस है ना, वो ज़्यादातर आर्टिस्टरी फॉर्म में ही आता है ज़्यादातर। तो अगर आप उस वे में जाना चाहते हैं, आप उस कड़ी को सीखना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि गिटार के बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जो मैंने पिछले दो लेसन्स में बताया है ना। वो आप जब वो क्लियर कर लेंगे, वो आपके अच्छे से बैठ जाएगा, हालांकि आपको किसी भी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद तो, लेकिन फिर भी अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ के और जो गिटार की जो थ्योरी है जो मैं आगे दूंगा, तो ये सारी जो मिक्सचर बनेगा कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के जो सीखेंगे वो सोलोइस्ट में ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि सोलोइस्ट में क्या होता है कि आप गिटार को कॉर्ड्स के बिना, अगर आपने गिटार को सुना हो या फिर आपने थोड़ा समझा भी हो इस इंस्ट्रूमेंट को, तो इसमें कॉर्ड्स बजते हैं और मेन लीड्स चलती है। लीड्स का मतलब आप एक एक सुरों को आप सिंगल सिंगल फॉर्म में बजाते हैं, इंडिविजुअल सुर को एक एक फिंगर से बजाते हैं। कॉर्ड्स में क्या होता है, हम एक ग्रुप ऑफ नोट्स को प्ले करते हैं गिटार पे, अलग अलग जो हमारे पैटर्न्स होते हैं कॉर्ड्स के उसको उस हिसाब से प्ले करते हैं। तो हालांकि जो सोलोइस्ट होते हैं वो ज़्यादातर लीडिंग्स में फॉर्म करते हैं, है ना। तो लीडिंग्स सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है। देन उसके बाद आप मैं तो स्पेशली ये टिप देना चाहूँगा कि जो सोलोइस्ट अगर आप परस्यू करते हैं तो सुने किसी गिटारिस्ट को कि वो कैसा प्ले करता है, एक्चुअल में सोलो फॉर्मेट क्या होता है, उसको बजाने का तरीका क्या होता है। हालांकि उसके लेसन्स भी जो अलग से चलते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, पर सुनना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं तो। अगर मैं बात करूँ सिर्फ सिंगिंग बेसिस की, कि जो दूसरा तरीका है कि आपको सिंगिंग के साथ बजाना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको गिटार बिल्कुल एक अच्छे बेस पे आना चाहिए। क्योंकि सिंगिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको आपकी सिंगिंग ऊपर रखनी होती है, वोकल्स हमेशा ऊपर रहेंगे, पीछे तो बैकग्राउंड में आपको एक एम्बियंस के लिए गिटार बजाना है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका गिटार बहुत अच्छा हो, आपको बिल्कुल अच्छी मास्टरी करनी है इस इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप सिर्फ सिंगिंग की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली आपको कॉर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए या फिर आपको सुरों का नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से सुर पे गा रहे हैं, कौन सा या फिर कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन लग रहा है। कॉर्ड प्रोग्रेशन का मतलब जो कॉर्ड्स के ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ नोट्स को कॉर्ड्स कहते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ कॉर्ड्स को कॉर्ड प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगिंग में ज़्यादा आपका रहे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा कोई गिटार सीखें या फिर आपके लीडिंग्स अच्छी हों, है ना। तो ये सारे जो बातें हैं ये एक नॉर्मल स्तर पे हम रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि
यहाँ पे हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं मिल रही है, जैसे आप चाहें कि आप सोलोइस्ट बनना चाहें तो सोलोइस्ट दोनों फॉर्मेट में बजा सकता है, पर एज अ सिंगर आप चाहते हैं कि मुझे गिटार प्ले करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सोलोइस्ट का फॉर्मेट भी आए, है ना। इसलिए ये दोनों फॉर्मेट्स इसलिए डिफरेंस है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गिटार में अलग अलग हो, है ना। मैंने आपको गिटार के कुछ एक अलग अलग वो भी बताए थे फॉर्म्स कि ये एकूस्टिक गिटार है जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल में, तो इलेक्ट्रिक भी होता है, यूकेलेले होता है, एक 4 स्ट्रिंग गिटार छोटा सा होता है, और 7 स्ट्रिंग गिटार्स हो सकते हैं, 12 स्ट्रिंग्स गिटार्स हो सकते हैं, ऐसे करते करते काफ़ी सारे गिटार्स होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, एक बहुत जनरल सी बात है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप खुद अपना पैशन या फिर खुद अपना डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको खुद डिसीजंस लेने होते हैं कि मुझे इतना सीखना है तो इतना ही सीखना है, मुझे इतना आगे बढ़ना है तो इतना आगे ही बढ़ना है। अगर आप अंदर गहराई में जाना चाहते हैं तो बहुत गहरी बातें मिलती हैं, अगर आप ऊपरी स्तर से सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर ऊपर ही दिखाई देता है, ये आपके दिमाग में होता है। तो इसलिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक सिंगिंग स्टाइल का अपना अपना एक अलग जॉनर होता है। तो मैंने उस हिसाब से आपको ये दो फॉर्मेट्स दिए हैं कि सोलोइस्ट और गिटार आप सिंगिंग के साथ बजाना चाहें, यानी विथ सिंगिंग आप गिटार को कैसे परस्यू करना चाहते हैं वो उस पर बात रहती है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मेट्स की अलग अलग चीज़ें बता दी हैं, जो हमारे नेक्स्ट लेसन्स आएंगे, ये वाला जो भी अब मैं एपिसोड 4 दूंगा उसमें हम इन दोनों डिफरेंसेस को सीखना चालू करेंगे। अभी मैंने डिफरेंसेस आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं गिटार की। तो ये जो दो फॉर्मेट्स हैं हम इन पे और बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। अभी इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।